यूपी में अपराध अपने चरम पर है। प्रशासन चाहे कितने ही दावे कर ले, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। ताज़ा मामला कानपुर से है, जहां प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहे कुछ दबंगों ने दो नाबालिग लड़कियों को अगवा कर धारदार हथियार से उनके पैरों पर हमला कर दिया। दबंगों ने चाकू से दोनों नाबालिग लड़कियों के पैरों पर कई वार किए, जिससे दोनों बुरी तरह घायल हो गई। वहीं लड़कियां किसी तरह अपने घर पहुंची और परिजनों के साथ थाने में जाकर मामले की सूचना दी। मतलब मेरी बहन है दो, वो घर पे आती छोटी छोटी, उनने कहा रात में बंजरिए में ले गए उनको, कहा दे माजे तो उन लोग को एक पैर पहले काटा, फिर दूसरा पैर काटा, फिर तीसरा पैर काटा छोटी बिट्टी का, मतलब एक काटो पैर है ठीक। अब दूसरी बात का जो निरंजन है दरोगा रिचार्ज हमारे थाने के ने, मतलब उनके सरास से काटी गई, वह मतलब कहा हम घूस दे डेली कहा दे माजे, उनके परे बैठे रहा जात घंटा दो घंटा तीन परे बैठे रहा है, तो उनकी कायम ज़्यादा मांग निरंजन है। हमारी कम रिपोर्ट लिखा जाता, हमारे रिपोर्टर ही लेने जाता है। ग्राम गोहलिया पुरवा थाना बिल्हौर में उच्च न्यायालय में कृषि को लेकर एक पक्ष में रोष था, जिसने आकर दूसरे पक्ष की दो बच्चियों पर वार कर दिया, जिसमें एक बच्ची की उम्र 12 वर्ष है, दूसरी की 8 वर्ष है, उसके पांव में गंभीर चोट लगी है। इसमें 4 लोग नामजद किए गए हैं, जिसमें 2 की गिरफ्तारी पुलिस ने कर लिया है। इसमें जो शेष 2 अभियुक्त हैं उनको यथाशीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। मामले में पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों में किसी मामले को लेकर केस चल रहा है, जिसके चलते घटना को अंजाम दिया गया। दरअसल नाबालिग लड़कियां मंदिर में गई थी और वापस अपने घर लौटते समय गांव के ही रहने वाले शीलू और उसके साथी दोनों को पकड़ कर ले गए और हमला कर उन्हें घायल कर दिया गया। वहीं मामले में पुलिस ने 4 लोगों को नामजद कर हमला करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 की तलाश जारी है। कानपुर से पंजाब केसरी टीवी के लिए अमृत त्रिपाठी की रिपोर्ट।